हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ये फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के बारे में चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म 1700 से 1995 के बीच 13.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था। ये फार्मिंग और दूसरे कारणों के कारण लैंड के एक्सपेंशन का था, जिसके कारण फॉरेस्ट श्रिंक हो गए थे। डिफॉरेस्टेशन इन ब्रिटिश एरा, तो हुआ क्या था कि ब्रिटेन के रूल के अंडर इंडिया में जो फॉरेस्ट लैंड्स थे उनमें काफी कमी आ गई थी। 1600s में 1/6 ऑफ लैंड कल्टीवेशन के अंडर था, जिसे ब्रिटेन के रूल ने काफी बढ़ाने की कोशिश की। तो होता क्या था कि जब लैंड को कल्टीवेशन के अंडर लाया जाता था तो ब्रिटेन का रेवेन्यू बढ़ता था। इससे ब्रिटिश लोगों को काफी फायदा होता था टैक्स में, जिसके कारण वो चाहते थे कि फॉरेस्ट के इस लैंड को कल्टीवेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके जो रीजंस हैं मेन, वो यही हैं कि पहला था, सबसे पहला लैंड इम्प्रूवमेंट। फॉरेस्ट्स को अनप्रोडक्टिव लैंड माना जाता था, मतलब वहां से कुछ मिलता नहीं था गवर्नमेंट को, इसीलिए उस रीजन को वो लोग फार्मिंग के लिए कन्वर्ट करना चाहते थे। दूसरा है शिप्स। ब्रिटेन की नेवी वर्ल्ड की स्ट्रांगेस्ट नेवी थी उस समय, और ब्रिटेन का एम्पायर इसी कारण इतना स्ट्रांग रहा है हिस्ट्री में। तो उस नेवी को सपोर्ट देने के लिए पहले तो ब्रिटेन से ही लकड़ी की कटाई की जाती थी, लेकिन बाद में जब वहां लकड़ी की कमी होने लगी तो वो लोग इंडिया के फॉरेस्ट्स की तरफ देखने लगे शिप्स बनाने के लिए। अगला है रेलवेज। रेलवेज के लिए जो स्लीपर्स बनते थे पुराने जमाने में, आज तो वो सीमेंट के बनते हैं, पर पहले के जमाने में वो लकड़ी के स्लीपर्स बनते थे जिस पर दोनों पटरियां रखी जाती हैं। उन स्लीपर्स को बनाने के लिए भी काफी पेड़ों की कटाई हो रही थी। और प्लांटेशंस, तो जिस तरह एग्रीकल्चर से ब्रिटेन को फायदा होता था टैक्स रेवेन्यू में, वैसे ही प्लांटेशंस से भी, टी टोबैको वगैरह के प्लांटेशंस से भी उन्हें काफी फायदा होता था। ओपियम के बारे में भी आप पढ़ेंगे, जिसके ओपियम के प्लांटेशंस के कारण ब्रिटेन चाइना के साथ ट्रेड कर पाया था, और बाद में ओपियम वॉर्स भी इसी कारण से हुई थी। अगला है कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो जब ब्रिटेन ने यहां से लकड़ी की कटाई करनी शुरू की तो उन्हें लगा कि ये फॉरेस्ट्स भी ब्रिटेन के फॉरेस्ट की तरह खत्म हो सकते हैं कुछ सालों में, तो उन्होंने कमर्शियल फॉरेस्ट्री को जन्म दिया। ये फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट काफी अनसाइंटिफिक था, लेकिन उस समय इसे ही सही मानकर लागू किया गया था। इंडिया के फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट थे डायट्रिक ब्रांडिस। उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का गठन किया था 1864 में, जिसे हम IFS के नाम से जानते हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1865 में, और इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था 1906 में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बेसिस के रूप में इंडिया में। फॉरेस्ट एक्ट को और भी दो बार अमेंड किया गया है 1878 और 1927 में। तो जो 1878 का अमेंडमेंट था उसमें फॉरेस्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। इसके बाद कौन से प्लांट्स का यूज किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में NCERT में एक बॉक्स में बंद करके दिया गया है। सियादी क्रीपर्स मेक रोप्स, सेमो ट्री से वेजिटेबल बनते हैं, ग्रेट होते हैं वेजिटेबल्स, और महुआ ट्री से ऑयल बनता है, और लैंप्स में भी उस ऑयल का यूज किया जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के जितने भी नाम दिए हुए हैं आप इन्हें जरूर याद रख लें, ये मैच द फॉलोइंग के रूप में या डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला लेडिंग के नाम से इसे साउथ ईस्ट एशिया में कहा जाता है, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में, चिटमेन या टावी अफ्रीका में, और चेना श्रीलंका में। इंडिया में इसका नाम है ध्या, पेंडा, बेवा, नेवा, झूम, पोडू, खांडाड और कुमरी। इसके बारे में ज्योग्राफी में भी हम लोग पढ़ते हैं। अफ्रीका में मिलेट्स उगाए जाते थे इन ट्राइबल लोगों के द्वारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अंडर। ब्राजील में मैनियोक और बाकी पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका में मेज और बीन्स की खेती की जाती थी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अंडर। ये कितने एनिमल्स की डेथ हुई थी ब्रिटिश पीरियड में उसके बारे में ये डेटा है। ये काफी लार्ज नंबर्स में एनिमल्स की हत्या की गई थी, और इनमें से ज्यादातर एनिमल्स आज इंडिया में एंडेंजर्ड में स्पीसीज के लिस्ट में आते हैं। यहां तक कि एशियाटिक चीता तो 1951 में ही एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया से। मुंडुरुकू पीपल ब्राजीलियन अमेजोन के, ये लोग मैनियोक उगाते थे। लेकिन तो देखिए यहां पर क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि कैसे
जो कॉलोनियल रूल था उसने ट्राइबल पीपल को अफेक्ट किया और ट्राइबल पीपल ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। सबसे पहले हमें मुंडुरुकू पीपल का एग्जाम्पल मिलता है, जो लोग पहले तो मैनियोक उगाते थे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अंडर, लेकिन कॉलोनियलिज्म आने के बाद वो लोग लैटेक्स की सप्लाई करने लगे कॉलोनियल लोगों को। लैटेक्स जंगल के अंदर मिलता है, प्लांट से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद हमारे देश में कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने मूवमेंट्स चलाए। संथाल्स और उराव ने झारखंड में, और गोंड्स और ओडिशा, ये लोग टी प्लांटेशन के लिए चले गए थे, और मूवमेंट चलाने वाले जो ट्राइब्स थे उनके लीडर्स के नाम यहाँ दिए गए हैं। सिद्धू और कानू संथाल परगना में, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर प्लेटियो में, और अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। आंध्र प्रदेश वाले मूवमेंट के बारे में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि क्लास 10 का चैप्टर है, उसमें भी पढ़ेंगे। अगला है बस्तर के बारे में। तो बस्तर आज भी एमपी का एक ऐसा रीजन है जहां काफी नक्सलाइट्स पाए जाते हैं। पहले वहां नक्सलाइट्स नहीं थे, वो मिलिटेंट ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में हमारे बुक में दिया गया है, लेकिन आज वो रीजन डाकुओं का, गुंडों का गढ़ कहलाया जाता है। तो बस्तर छत्तीसगढ़ में है, ये आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर के रीजन पर है। इसके सेंट्रल पार्ट एक प्लेट्यू पर है, और नॉर्थ में छत्तीसगढ़ प्लेन्स हैं, इसके साउथ में गोदावरी प्लेन है। ये रिवर इंद्रावती इसके बीच से बहती है ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पर रहने वाले जो कम्युनिटीज के बारे में हमें बताया गया है, वो मारिया एंड मूरिया गोंड्स, धूरवास, भतराज, हलबास, और ये लोग डन, मान और देवसारी। तो डन, मान, देवसारी का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब एक ट्राइबल रीजन से दूसरे ट्राइबल रीजन में कोई सामान कलेक्ट करने जाते थे लोग, तो उन्हें दूसरे ट्राइब को दंड, मान या देवसारी पे करना होता था। इस पेमेंट के बाद ही वो लोग दूसरे ट्राइब के फॉरेस्ट से कुछ ले सकते थे। इसे हम एक प्री मेच्योर काइंड ऑफ ट्रेडिंग कह सकते हैं। जो यहां पर रिवॉल्ट हुआ था कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, उसका कारण था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 2/3 ऑफ फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया था। मैंने बताया था 1878 में जो फॉरेस्ट लॉज आए थे उसने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था इंडियन फॉरेस्ट को। उनमें से ही जो रिजर्व्ड कैटेगरी का फॉरेस्ट था, जिसे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती थी, वहां ट्राइबल्स का घुसना मना था, वहां इन छत्तीसगढ़ के जंगलों के 2/3 फॉरेस्ट को ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया था 1905 में। इसके साथ ही जो 1899 और 1907 में फेमिन्स आए थे, उसका कारण भी कॉलोनियल गवर्नमेंट को ही मानते थे वहां के ट्राइबल लोग। यहां धूरवास ऑफ कंगेर फॉरेस्ट ने ही पहला इनिशिएशन लिया ब्रिटेन के खिलाफ विरोध करने का, और गुंडा धूर, जो कि नेथानार विलेज का था, उसने इस ट्राइबल रिवॉल्ट को लीडरशिप प्रोवाइड की। ऐसे तो हमें इस ट्राइबल रिवॉल्ट के बारे में बहुत, लीडरशिप के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन गुंडा धूर का नाम काफी बार आया है। इसके नाम के आगे गुंडा मोस्टली ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ही जोड़ा था, लेकिन हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेड नाम है वो यही है, इसीलिए हम आज भी इन्हें गुंडा धूर के नाम से ही जानते हैं। इस मूवमेंट का जो इफेक्ट हुआ था, ये मूवमेंट लास्टली सप्रेस कर दिया गया था, लेकिन जो रिजर्व किए जाने वाले फॉरेस्ट थे उनके एरिया को हाफ कर दिया गया था। अगला हम लोग बात करते हैं जावा की। अभी तक हम इंडिया के ट्राइब्स, इंडिया के ट्राइबल मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग जावा की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऐसा ही एक फॉरेस्टेड रीजन था कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने के पहले। तो जावा एक राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया था डच के अंडर। वहां के फॉरेस्ट्स को काट कर वहां राइस प्लांटेशंस इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसके कारण आज भी जावा मेजर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन है दुनिया का। यहां पर कलंग्स नाम की एक ट्राइब रहती थी, जो कि काफी स्किल्ड वुड कटर्स थी। इनकी वुड कटिंग स्किल्स के बारे में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब मातरन किंगडम का स्प्लिट हुआ था 1755 में, तो इस कम्युनिटी के लोगों को हाफ हाफ डिवाइड कर दिया गया था दोनों किंगडम्स के बीच। 1770 में कलंग्स ने डच कॉलोनी, जो कि डच फोर्ट था जोआना में, उस पर अटैक किया था अपने विरोध को जताने के लिए। यहां पर ब्लैंडोंग डेनस्टन सिस्टम लागू किया गया था। तो देखिए, ये सिस्टम काफी इनोवेटिव कह सकते हैं आप इसे। सबसे पहले डच लोग फॉरेस्ट के एक रीजन को रिजर्व कर देते थे अपने लिए, फिर वो लोग कहते थे कि जो ट्राइब्स वहां लेबर प्रोवाइड कर सकती हैं, उन्हें फॉरेस्ट में एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब पहले जो लैंड ट्राइबल्स की ही थी, उन्हीं लैंड्स को रिजर्व करके ट्राइबल्स से उस लैंड के एक्सेस के बदले काम करवाया जा रहा था।
इसे ही ब्लैंडोंग डिनस्टन सिस्टम कहा गया। इसके खिलाफ सुरोंतिको सामीन नाम के एक लीडर ने मूवमेंट शुरू किया। ये सिस्टम जाहिर है कि काफी गलत था और इसीलिए इन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया इसे काफी सपोर्ट मिला, लेकिन बाद में इन्हें सब इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया और डच ईस्ट इंडीज जो हम जानते हैं जैसे जावा के नाम से, वो वहां पर एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो की गई थी। तो हुआ क्या कि जापान वर्ल्ड वॉर टू में इस रीजन पर हमला कर रहा था और इस रीजन को जीतते जा रहा था, तो डच लोगों को डर हुआ कि कहीं जितने लकड़ी और फैक्ट्रीज और एम्यूनिशंस की जो जगहें थी उन पर भी जापान का कब्जा ना हो जाए, तो उन्होंने इस पूरे लकड़ी के ढेर फैक्ट्रीज को जला दिया। इसी को स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कही जाती है, ताकि जापानीज लोगों के हाथ में ये फैक्ट्रीज, ये वुड कटिंग्स और ये टिम्बर ना लग सके। अगला है सेक्रेड रूस। हमारे देश में काफी सारे ट्रीज को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो उसमें सरनाज, देवारकुडू, कान और राय है। सरनाज इसी छोटा नागपुर रीजन में है और मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पर काफी सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं ट्रीज के अराउंड, जहाँ पर ट्री प्लांटेशन होती है, ट्रीज की पूजा होती है, और हम में से भी कई लोगों ने पीपल, तुलसी वगैरह की पूजा करते हैं। तो ऐसे ही चीजों को सेक्रेड ग्रूव्स का नाम दिया जाता है। हमारे कल्चर में, हमारे देश में इसे काफी सालों से फॉलो किया जा रहा है। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हुआ। आज के जो दो क्वेश्चंस हैं वो है, मातरन किंगडम स्प्लिट कब हुआ था, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है, और हु लेड द ट्राइबल रिवोल्ट्स इन द छोटा नागपुर रीजन। इन दोनों के आंसर आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।